Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 8 the name of the book Honeydew and the chapter number 4, the name of the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. In a last lecture I have completed page number 67. Now I will start from the page number 68. डॉक्टर चंद्रा शूक हिज हेड. डॉक्टर चंद्रा ने अपना हेड यानी अपना सर हिलाया. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विथ अ केस सच एज योर्स. तो डॉक्टर चंद्रा पूरी बात सुनते हैं, अपना जो सिर है वो हिलाते और कहते हैं कि आप जानते हो मिस्टर चौधरी, आज तक मैंने ऐसा केस कभी सुना नहीं है, मैंने ऐसे केस को कभी डील नहीं किया है. फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. मैं आपको फ्रेंकली कहता हूँ कि ये अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, ये उससे कुछ बाहर आउटसाइड का कोई केस है. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन हाँ मेरे पास एक सजेशन है. आई डोंट नो इफ़ इट्स वर्क, मैं जानता नहीं कि वो काम करेगा कि नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. लेकिन हाँ आपको ट्राई करना चाहिए. इट कैन डू नो हार्म, उसमें आपको कोई हार्म नहीं होगा. ओके, बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंसियसली. ये सुनकर ये जो बिपिन बाबू थे वो एकदम एंसियस होते, वो जानना चाहते हैं कि अच्छा वो क्या है. ओके, तो ये जो यहाँ पर बात की है कि डॉक्टर चंद्रा है, उन्होंने बिपिन बाबू को अच्छी तरह से सुना और सुनने के बाद कहते हैं कि आप जानते हो मिस्टर चौधरी, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि ऐसा केस मेरे सामने पहली बार आया है. मेरा जो एक्सपीरियंस है जो उससे बाहर का केस है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ. और शायद वो काम करे कि नहीं करे वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो आपको करना चाहिए, उसमें कोई नुकसान होगा नहीं. तो ये जब कहा तो बिपिन बाबू एकदम एंशियस होकर वो आगे बढ़ते, यानी इन शॉर्ट जानना चाहते कि बताओ क्या है. एज फार एज आई कैन मेक आउट से डॉक्टर चंद्रा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची. तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप एक बार रांची जाकर आओ. बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. क्यों उसमें वो रांची जाने का क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप रांची नहीं गए हो, लेकिन मैनी पीपल टोल यू कि आप रांची गए हो. तो अगर आप वहाँ पर जाओगे और जो चीज़ आपने देखी है वही के वही चीज़ आप फिर से देखोगे, तो शायद आपके मन में ये आपको याद आ जाएगा कि रियल में आप वहाँ पहले जा चुके हो. यानी जो इंसिडेंट हो गया है, जो आप इंसिडेंट आपके माइंड से स्लिप्ड आउट यानी निकल गया है, तो वही की वही जगह फिर से देखने से शायद आपके माइंड में वो सब चीज़ याद आ जाएगी. वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. तो मैं आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप फिर से एक बार रांची जाओ. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. साइट ऑफ द प्लेस, वो जो जगह है, वो जगह जो सीनरी है, शायद उसको देखकर आपको अपनी ट्रिप के बारे में शायद याद आ जाए. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, दूसरा उससे ज़्यादा मैं आपको अभी कुछ कह सकता नहीं हूँ. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, स्लीप इज एसेंशियल. तो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर देता हूँ नर्व टॉनिक के बारे में और दूसरी जो दवाई जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, सो सकते हो. क्योंकि आपकी नींद अगर कंप्लीट नहीं होगी और आप इसी के बारे में सोचते रहोगे तो शायद प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपकी हालत और ज़्यादा क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी. बिपिन बाबू फेल समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. जिस तरह से डॉक्टर ने कहा इस तरह से उन्होंने दवाई ली, आराम से घर पर जाकर सो गए. दूसरे दिन वो आराम से मॉर्निंग में उठे, उनको अच्छा लगा.
जो कल था उससे आज का दिन उनका अच्छा रहा। आफ्टर ब्रेकफास्ट, अभी मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट खाने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया और कहा गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोड्यूस अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। उन्होंने फ़ोन पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ऑफिस में और उन्होंने फिर फर्स्ट क्लास टिकट रांची के लिए उसी शाम को, एंड उसी शाम को उसने सोचा कि मैं रांची जाकर आऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह सजेस्ट किया था, उन्होंने दवाई दी मॉर्निंग से, जब वो फ्रेश होकर उठे तो उनको बोला नहीं उनकी दवाई एकदम परफेक्ट है, तो अभी उन्होंने जो सजेस्ट किया है कि भाई रांची जाकर हो तो वो भी आज के आज ही क्या करूँ कंप्लीट कर दूँ, तो उन्होंने शाम की एक टिकट निकाल कर रांची के लिए रवाना होने का उन्होंने सोच लिया, उन्होंने टिकट भी निकलवा दी। यहाँ पर आपका थर्ड जो पार्ट था कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट द फोर्थ पार्ट, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वो रांची पहुँच गए, यानी शाम को जो ट्रेन में बैठे थे दूसरे दिन वो रांची पहुँच गए। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो उनको लगा कि नहीं मैं रांची कभी आया नहीं हूँ, यानी पहले जो था उनके माइंड में नहीं आया, ऐसा ही अभी भी उनके मन में यही ख्याल चल रहा था कि भाई नहीं मैं रांची कभी आया नहीं हूँ। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन टू अ टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन ऑफ वाइल। उन्होंने स्टेशन से बाहर निकले, एक टैक्सी ली, उसमें बैठकर वो टाउन में थोड़ी देर घूमे। ओके, ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स द बिल्डिंग्स द होटल्स द बाजार्स द मोराबड़ी हिल विथ नन ऑफ दीज हैड बीन हैड सी हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस। तो जो जो चीज़ उन्होंने फर्स्ट टाइम जब रांची में आकर देखी थी, हर एक चीज़ वहाँ की जो स्ट्रीट है, बिल्डिंग्स है, होटल्स है, बाजार से, मोराबाड़ी हिल्स से, वो सब उन्होंने देखी, कि जिसकी वजह से उनको लगे कि चलो भाई कोई एक जगह उनको ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ऐसा रियलाइज़ हो। लेकिन हर एक जगह देख ली, उनके माइंड में कोई भी ऐसा ख्याल आया नहीं कि भाई ये यहाँ पर मैं पहले आ चुका हूँ। यानी ऑल द प्लेस वॉट एवर दे हर्ड फ्रॉम द फ्रेंड, यानी तीन लोगों ने जो बताया था कि भाई आप गए थे, तो उन्होंने जिस तरह से बताया, लेकिन एक भी जगह उनको ऐसी नहीं लगी कि भाई यहाँ पर मैं आकर गए, यानी हर एक जगह उसके लिए नई थी। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प, फिर सोचा हाँ अभी हुड्रो फॉल्स की बात की कि वहाँ पर मैं गिर गया था, लेट्स गो देयर, वहाँ पर हुड्रो फॉल्स में जाता हूँ, तो वहाँ पर शायद वो जगह देखकर मुझे शायद याद आ जाए। ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडन ट्राइड इनफ। तो उसको ये बात पे बिलीव तो नहीं था क्योंकि इतनी जगह देखी, लेकिन कहीं पर भी उसको ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर पहले आया हुआ हूँ। लेकिन अभी उन्होंने सोचा कि भाई चलो यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो ये जो हुड्रोफॉल है वो भी एक बार देख ही लो, शायद वहाँ जाकर मुझे सब रियलाइज़ हो गए, शायद मुझे सब जो चीज़ को मैं भूल गया हूँ शायद वो देखकर मुझे वो सब चीज़ याद आ जाए, तो उसमें क्या हर्ज है। और ये सोचकर उन्होंने ये जो हुड्रो फॉल्स था वहाँ पर भी जाने का उसने डिसाइड कर दिया। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने एक कार को अरेंज किया और दोपहर में ही हुड्रो फॉल की तरफ जाने का उन्होंने डिसाइड कर दिया और दोपहर में वहाँ से वो निकल गए। 8:05 o'clock, ओके, 5 बजे, यानी शाम का 5 बजे का टाइम है, क्योंकि वो शाम को ही निकल गए थे, आफ्टरनून में निकल गए थे, तो आफ्टरनून जैसे निकलेंगे तो शाम को हुड्रो फॉल से वहाँ पर क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो 8:05 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिहाइंड बिसाइड अ बाउडलर।
8:05 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून, वही उसी दिन सेम आफ्टरनून, इन हुडरो, यानी हुडरो, टू गुजराती जेंटलमैन, दो गुजराती जेंटलमैन थे, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, पिकनिकर्स यानी जो पिकनिक पर आए थे, उनमें से दो कोई गुजराती हो गए, डिस्कवर, उन्होंने देखा कि बिपिन बापू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड द बाउंडर, तो वहाँ पर वो जगह पर बिपिन बापू जैसे पड़े थे, वो भी अनकॉन्शियस। व्हेन ही केम अराउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बापू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देर इज नो होप लेफ्ट। ओके, तो वो जगह भी अभी देख ली। ओके, जब उन्होंने वो भी जगह घूम ली, फिर बिपिन बापू को लगा कि अभी ये कंप्लीट हो गया, कोई होप नहीं है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, अभी जितनी भी होप थी वो होप कंप्लीट हो गई, कोई चांस नहीं है कि मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरे दिन मॉर्निंग में बिपिन बाबू अभी वापस कलकत्ता जाने के लिए रवाना हुए। ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, ही रियलाइज, उसने रियलाइज़ किया कि देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अभी कोई होप ही नहीं है। अभी तक वो घूम रहे थे कि मन में एक होप थी कि शायद ये सब जगह घूमने से आई कैन रिमेंबर ऑल द इंसिडेंट विच आई फॉरगॉटन, लेकिन अभी पूरा घूम लिया, जो जो जगह बोली थी सब जगह घूम ली, पूरी रांची की ट्रिप करके आए, वहाँ हर एक जगह देखी, लेकिन कहीं पर भी उनको ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो जगह उन्होंने पहले देखी हुई थी। अभी वापस वो कलकत्ता आ जाते हैं और कोई होप नहीं थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, ही हिज विल ऑफ वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, वो थोड़े टाइम में जैसे सब कुछ लूज करने लगे। हिज विल टू वर्क, उनकी जो विल थी, बुद्धि थी, वो भी जैसे भी काम नहीं कर रही थी। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी चला जा रहा था। हिज एबिलिटी, उनका जो बैलेंस ऑफ माइंड था, सब चीज़ उसको लग रहा था कि मैं अभी लूज कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द सियालम, उनको लगा कि मैं हर एक चीज़ अभी घुमा रहा हूँ, इन शॉर्ट कि अभी जैसे माइंड से जैसे वो एकदम खोखले हो गए थे, अभी उनको लग रहा था कि भाई मेरी जो लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू और कुछ सोच नहीं सकते थे। बैक होम वो घर पे गए, ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया और कहा कि आप घर पर आओ। देन आफ्टर अ शावर, नहाने के बाद ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस बैग कंपेल ऑन हिज हेड, तो अपने बेड पर पड़े रहे और एक आइस बैग था यानी आइस बैग वो अपने सिर पर उन्हें रखकर वो बैठे थे अपने बेड पर। जस्ट देन उसी टाइम पर द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन हर लेटर बॉक्स, के उसके बाद सर्वेंट आया, सर्वेंट ने एक लेटर दिया कि जो लेटर कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़कर गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रैंक इंक ऑन इट, ये जो एनवलप था वो ग्रीनिश यानी ग्रीन कलर का था, उसके ऊपर रेड इंक से कुछ लिखा था, यानी जो एनवलप था वो ग्रीन था और उस पर जो लिखान थी वो रेड इंक में लिखी थी। ओके, अबो द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, उसमें लिखा था ये अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल, यानी किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस कंडीशन, उनकी तबीयत रेम में ख़राब थी, फिर भी बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं लेटर एक बार क्या करूँ, पढ़ लूँ। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उन्होंने जो एनवलप का जो था उसको कवर फाड़ा और उसमें से लेटर क्या किया, निकाला। दिस इज़ वॉट ही रीड, अभी उन्होंने जब ये लेटर रीड किया तो लेटर में जो लिखा था वो यहाँ पर पूरा लेटर हमें दिया है। तो लेटर में क्या लिखा था,
तो लेटर में लिखा था, डियर बिपिन, के क्या लिखा था, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन. तो आई हैव नो आइडिया, मुझे ऐसी आइडिया नहीं थी कि तेरे में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा. ओके, वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड. तो वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प, आपको ओल्ड जो फ्रेंड है उसको हेल्प करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है. डाउन ऑन हिज लक, ओके, जिसका लक अभी डाउन चल रहा है उसको हेल्प करने में तुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है. आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरी जो रिसोर्सेज है वो भी कैसी है, लिमिटेड है. वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास क्या है, ओनली इमेजिनेशन है. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. और वही जो इमेजिनेशन है उसी का मैंने यूज़ किया, और आपकी जो लाइफ थी उसको मैंने क्या कर दिया, अनफीलिंग बना दिया. यानी जो अभी एकदम कंफर्टेबल लाइफ थी वही आपकी लाइफ को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बना दी. ओके, इन शॉर्ट वो कह देते हैं कि भाई ये जो चीज़ हुआ आपके साथ वो सब मैंने किया. ओके, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, आप फिर से ठीक हो जाओगे. अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बिंग कंसिडर बाय अ पब्लिशर. अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बिंग कंसिडर बाय अ पब्लिशर. एक मैंने जो नोवेल जो मैंने लिखी है जो पब्लिशर के बारे में बता रही है, इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर आपको अच्छी लगी, आई विल सी, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. और वो नेक्स्ट फ्यू मंथ तक क्या होगी, चलती रहेगी. योर्स चुनीलाल, आपके चुनीलाल. इस तरह से उसने लेटर लिखा था. इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो जो चेंजेस हुआ, ओके, तो वो मेरी वजह से हुआ है. इन शॉर्ट ये सब जो प्लानिंग थी ये वहाँ पर कभी गया नहीं था, लेकिन फिर भी जिसे उसने ऐसे कैरेक्टर भी खड़े कर दिए कि जो बता रहा था कि भाई आप पहले वहाँ पर गए हों. व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, बिपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंद्रा आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची. मुझे सब चीज़ याद आ गई जब मैं रांची स्टेशन पर उतरा. अ यूनिक केस, ये एक यूनिक केस है डॉक्टर चंद्रा से. आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इन अ मेडिकल जर्नी, और मैं मेडिकल जर्नल में इसके बारे में लिखूँगा. द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू, द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव पेन इन द हिप फॉर अ आई फॉल एंड आई हैड एन रांची. तो उसे बोला कि मैंने आपको बुलाया इसलिए कि मैं वहाँ पर गिर गया था तो मेरी जो हिप है वहाँ पर मुझे पेन हो रहा है. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो आप मुझे क्या करो, पेन किलर लिखकर दे दो, सत्यजीत रो रोय. ओके, तो यहाँ पर सत्यजीत रे ने यहाँ पर ये पूरी जो स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, वो लिखी है. तो यहाँ पर आपको पता चला कि ये जो सब जो किया वो चुनीला ने किया. चुनीला ने अपने तीन दोस्तों को, एक तो जो परिमल घोष था उसको समझ आया, उसके बाद दूसरा था दिनेश मुखर्जी, और तीसरा वो खुद, वो भी पार्टिसिपेट हो गए. जो दिनेश, जो पहले परिमल घोष था उसने बताया, यानी ये बात ये बिपिन बाबू को बताया कि भाई आप पहले वहाँ पर गए हुए हो, मैं भी आपके साथ रहा हूँ. ये क्रिएट एक जो करेक्टर उसने क्रिएट किया पहले, उसके द्वारा उसके माइंड में ये डाला कि भाई आप पहले गए हो. उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने दूसरा एक कैरेक्टर लिया, दिनेश मुखर्जी, तो वो भी उनके सपोर्ट में था. और थर्ड उसने खुद कि भाई मैं खुद तेरे को ट्रेन पर, मैंने टिकट भी बुक मैंने कराई थी, मैं तेरे को छोड़ने भी आया था, ये कहकर जैसे उनके मन में एक पक्का विश्वास दिलवा दिया कि वो पहले रांची जाकर आए हैं. और फिर लास्ट में जैसे वो रांची जाकर आया, फिर भी अपसेट था, कोई उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने लेटर लिखकर बता दिया कि भाई तू ठीक ही है, तेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. ओके,
ये सब जो किया वो मैंने किया है, क्योंकि तू कोई फ्रेंड को हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता है। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास ओनली माइंड है, और वही माइंड मैंने क्या किया, अप्लाई किया। और वही माइंड अप्लाई करने से तेरी लाइफ जैसे क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ओके, तो इस तरह से लिख कर फिर वो क्या करता है, उसको लिखा योर्स चुनीलाल कह के वो लेटर क्या करता है, स्टॉप कर देता है। ओके, अभी बीपी मोबाइल तो ऑलरेडी डॉक्टर को बुला दिया था, जब डॉक्टर आ गए तो भी डॉक्टर को क्या कहने, तो उन्होंने बताया भी मुझे तो सब चीज़ वहाँ पर याद आ गई थी, लेकिन वहाँ पर मैं गिर गया था, तो वहाँ पर हिप पर मुझे दुख रहा है, तो मुझे क्या करो, आप खाली पेन किलर लिख कर दे दो। और ये कह के उन्होंने पूरी बात को क्या कर दी, दबा दी। ठीक है, वरना वो पहले क्या करना चाहते थे कि भाई मैं वहाँ पर गया लेकिन मुझे अभी भी वो इंसिडेंट याद आया नहीं है, और ऐसा होता तो वो और भी ज़्यादा क्या होते, कन्फ्यूज़न होते। लेकिन ये लेटर मिलने की वजह से उनका मन का जो कन्फ्यूज़न था वो पूरा क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेसन है वो कंप्लीट होता है। अभी आपके उसके जो क्वेश्चन आंसर, ये चैप्टर नंबर जो 4 है, विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको थोड़े सॉल्व करा देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो ये जो पोएम है, एक मिनट, पोएम नहीं, अपने तो फोर्थ लेसन है, तो फोर्थ जो लेसन है, लेसन है व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। तो ये जो इंसान था वो क्यों बिपिन बाबू को देख रहा था। द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। तो बिपिन बाबू को इसलिए देख रहा था क्योंकि बिपिन बाबू उसको जानते नहीं थे। इवन दो द मैन वॉज श्योर दैट ही न्यू हिम एंड हैड मेट हिम इन रांची। वो इंसान श्योर था कि आप उन्हें मिले हो, कहाँ पर, रांची में, आप उनको जानते हो और हम रांची में क्या हुए, मिले हुए हैं। ओके, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। तो बिपिन बाबू के कहने से हिसाब से वो अक्टूबर 58 में कहाँ गए थे। तो बिपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंड द दुर्गा पूजा ऑफ अक्टूबर 1958 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर एंड ही डिडंट गो टू रांची एट ऑल। उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा पूजा के लिए मैं अपने फ्रेंड के वहाँ कानपुर गया था अक्टूबर 1958 में, मैं उस टाइम पर रांची गया नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेंशन एनी थ्री और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। तो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में कौन सी दो तीन चीज़ जानते थे, मेंशन करो। तो यहाँ बताया कि परिमल घोष न्यू फॉलोइंग थिंग्स अबाउट बिपिन बाबू। तो नीचे वह जो चीज़ दी है, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है दैट बिपिन बाबू स्लिप्ड नियर हुड्रो फॉल्स एंड हर्ट हिज लेग। तो पहली चीज़ ये बताता है कि जो हुड्रो फॉल्स था वहाँ पर बिपिन बाबू स्लिप हो गए थे और उनको अपने जो लेग था वहाँ पर हर्ट हुआ था, नुकसान लगा था। सेकंड पॉइंट है दैट बिपिन बाबू स्टेड इन अ बंगलो। कि बिपिन बाबू बंगलो में रहे थे बिकॉज ही प्रीफर्ड फूड बाय बावर्ची, क्योंकि उनको बावर्ची के हाथ से ही खाना पसंद था। थर्ड पॉइंट दिया है कि दैट बिपिन बाबूज वाइफ डाइड 10 ईयर्स बिफोर हिज रांची ट्रिप इन 58। तो ये रांची जब ट्रिप हुई थी 58 में, तब 10 साल पहले ये बिपिन बाबू की जो वाइफ थी वो मर गई थी। नेक्स्ट है दैट बिपिन बाबूज ब्रदर डाइड इन सेंस दैट इज़ वाई बिपिन बाबू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल एल्यूजम इन रांची। तो बिपिन बाबू का जो ब्रदर था वो पागल होकर मर गया था, जिसकी वजह से वो ये जो मेंटल एल्यूजम यानी एक मेंटलों के लिए वहाँ एक पूरा बड़ा दवा खाना है, वहाँ पर उन्होंने विजिट नहीं ली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष हेड सेड। तो परिमल घोष ने जो कहा उस ये बात पर, ये बिपिन बाबू क्यों वरीड हुए,
तो बिपिन बाबू कंटिन्यूसली वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मैनी इंटीमेट फैक्ट अबाउट हिम, क्योंकि ये परिमल घोष था वो बहुत सारी चीज़ें कि जो जनरली एकदम नज़दीक वाला जो इंसान है वही जानता है, वही सब चीज़ उन्होंने बताई। ही न्यू अबाउट द बैग ऑफ द बुक, उसने जो बैग होता है बुक का उसके बारे में बताया। हिज वाइफ्स डेथ, उनकी वाइफ मर गई उसके बारे में बताया। एंड हिज ब्रदर्स इंसेनिटी, और उसका भाई जो पागल था उसके बारे में बताया। कंसिडरिंग दैट परिमल घोष न्यू सो मच अबाउट हिम, उन्हें लगा कि परिमल घोष उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता है। बिपिन बाबू कूडंट से विथ कन्विक्शन दैट ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। ओके, तो बिपिन बाबू कूडंट से, वो कह ही नहीं सकते ये बात से, वो कन्विंस ही नहीं कर सकते थे सामने वालों के भी उसने रांची की ट्रिप नहीं की है। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो चीज़ बताई वो हर एक चीज़ क्या थी, राइट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? तो हाउ डिड ही ट्राई, उसने किस तरह से ट्राई किया ये डिसाइड करने में कि भी उसकी मेमोरी राइट है या परिमल घोष जो कहते वो राइट है। तो किस तरह से उन्होंने उसका ऑब्जर्व किया, किस तरह से उसने डिसीजन लिया? तो ही ट्राई टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी वॉज राइट और परिमल घोष बाय लुकिंग एट हिज राइट नी वेयर परिमल हैड क्लेम दैट देयर वेयर बी अ कट। तो उन्होंने, परिमल घोष ने जो बताया था कि भाई आपको राइट जो लेग है उसमें कट था नी के पास में, तो ये उन्होंने चेक किया किसके लिए कि भाई उनकी मेमोरी राइट है या जो परिमल घोष कह रहे वो राइट है, ये चेक करने के लिए परिमल घोष ने जो बताया था कि राइट लेग में कट है तो ऑब्जर्व किया। देर वॉज सर्टेनली ए मार्क ऑफ एन ओल्ड कट, और रियल में वहाँ पर एक मार्क था ओके, ओल्ड कट बहुत पहले जैसे कोई लगा था। हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड इफ द कट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फॉल इन रांची और ड्यू टू सम एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड। उनको ये पता नहीं था कि भाई ये जो कट है वो रांची में गिरने की वजह से हुआ है या अपने चाइल्डहुड में बचपन में कहीं वो कोई एक्सीडेंट हुआ था, यानी वो उसको पता ही नहीं था कि भाई उनके बॉडी पर ये जो निशान था वो कहाँ से हुआ, वो उनको पता नहीं था। इसलिए वो डिसाइड नहीं कर सकते थे भी कौन राइट है। अगर उनको पता होगा कि ये निशान में ये साल का था तब ये हुआ है तो उसको कह सकता था, लेकिन यहाँ तो वो निशान जो उसकी बॉडी पर था उसके बारे में वो जानते नहीं थे। देन उसके बाद ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश मुखर्जी, उसने डिसाइड किया कि मैं दिनेश मुखर्जी को पूछूं। वो अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वॉज विथ हिम इन रांची, परिमल घोष के हिसाब से ये जो दिनेश मुखर्जी थे वो भी वहाँ पर रांची में उनके साथ थे। ही फेल दैट आस्किंग हिम वुड पुट एन एंड टू हिज कन्फ्यूजन, लेकिन फिर सोचा भी उसको मैं बताऊँगा तो शायद वो और कन्फ्यूजन में आ जाएगा। ओके, तो इस वजह से उन्होंने ये बात उनको बताई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिस्टर मुखर्जी से डिड ही कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज? ओके, तो वाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या बताया उससे बिपिन बाबू कम्फर्ट हुए, क्या उनकी चिंता और बढ़ गई? तो मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे हैड इंडीड गॉन टू रांची इन 58। मिस्टर मुखर्जी ने यह कहा बिपिन बाबू को कि हम 1958 में हम रांची गए थे। दिस एडेड टू बिपिन बाबूज वरी, अभी ये कहने से बिपिन बाबू की जो वरी से चिंता थी वो और बढ़ गई। एस ही कुड नॉट फिगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबली हैव फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप, क्योंकि उनको अभी तक याद नहीं आ रहा था कि भाई वो जो ट्रिप थी उसके माइंड से चली कैसे गई। परिमल घोष ने कहा तो उसने जो प्रूफ दिए वो भी सही थे, ये मिस्टर मुखर्जी को पूछते तो उन्होंने बोला हम गए थे, यानी ये दो लोग ने कहा कि जिसकी वजह से उनको डाउट होने लगा कि रियल में मुझे याद नहीं है और ऐसा उन्होंने फील किया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन के बारे में पूरा पता चल गया होगा। तो इसके बाद आपको एक मैं PDF फाइल दूंगा, जो PDF फाइल में आपका होमवर्क होगा, वो होमवर्क आपको ध्यान से और कंपल्सरी करना है।
ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।